यहाँ जो मेहनत करना है वो भी आपको 5 मिनट में बताता हूँ। साइंस वाले भी कैसे करते हैं, दवाई कैसे बनाती है, व्यक्ति चिंतन की एक गोली बनाने के लिए कितने साल लगते हैं, एक खाने के एक सेकंड चाहिए, तो एक गोली बनाने वाले को कितने साल लगे। तो यहां भी अगर आप निरंतर इस विधि से अभ्यास करते हो तो आप अपने को भी अपने स्वभाव संस्कार विकल्पों को मिटा सकते हो। लेकिन वो तपस्या चाहिए, सभी लोग साइंटिस्ट नहीं बनते, कोई एक यहां भी बाबा के बच्चे हो तो उसमें कोई विधि पूर्वक अभ्यास करते हो तो वो पूछेगा वो अभ्यास क्या है, तो वो बताता शॉर्ट। और दूसरा प्रकार जो है, जैसे टॉपिक दिया था आपको अभी कि भाग्य कैसे बनाता है, भगवान भाग्य विधाता है, वो कैसे बनेगा, अपना क्यों नहीं बनेगा, उसकी भी विधि चाहिए। तो पहले बताता हूं साइलेंस की शक्ति से अपने संस्कार स्वभाव कैसे परिवर्तन करना चाहिए, उसकी विधि चाहिए, उसको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तपस्या कहते हैं। कि आत्मा के अंदर संस्कार है, उसके बाबा ने कहा स्व परिवर्तन, फिर दूसरों की वृत्ति को परिवर्तन, इसके बाबा ने विधि बनाया बच्चे दृष्टि दे, ये दृष्टि का महत्व है, दृष्टि देने की विधि, दृष्टि देने से क्या मिलेगा, देखने से क्या मिलेगा, उसकी विधि। चौथा है कि वातावरण को भी आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन इन तीनों के लिए एक विधि चाहिए। एक पहले स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके लिए चाहे जब भी सवेरे और शाम अमृत वेले 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त, शाम को 6:30 से 7:30 सूर्य अस्त होने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य अस्त होते समय, तो 6:30 से 7:30 ऐसे समय पर सृष्टि के अंदर वाक्य कैसा वातावरण बन जाता है, उस समय पर बैठ के हमें तपस्या करनी चाहिए। कैसे, तो बाबा ने समझ विधि बनाई, आत्मा समझ मुझे याद करे, आत्मा समझ मेरे से बात करे। अभी माता जी को दिखाई देती है मुझको, तो माता जी को कैसे समझू मैं, कैसे समझू, माता जी दिखाई देती है और क्या समझना चाहिए, हाँ माता जी को पूछना, माता जी आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो, अभी माता जी कौन है समझ में आए। ऐसे भी यहां भी ऐसे मैं आत्माओं को पता है, कौन सी आत्मा हो आप, पाप आत्मा हो वो आप जानते हैं, मेरे द्वारा क्या क्या कर्म मैंने किया हुआ है हर एक अपने आप को जानता है, तो बैठ के पूछ लो तो मैं कौन सी आत्मा हूं, पाप आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, देवी गुण है, महात्मा हूं, महान आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, कौन सी आत्मा, अपने आप से पूछ लो। उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जान लो मैं कौन, कौन सी आत्मा हूं, मेरे पर क्या भरा हुआ, हर एक जानता अपने कर्म, हर एक जानता बाकी कोई नहीं जानता, तो इससे अपने आप से बैठ के आराम से एकांत में भक्ति स्थिति आराम से समय है, 1-2 घंटा 5 मिनट 10 मिनट नहीं, संगठित रूप में अच्छे वातावरण में, तो बैठकर अपने आप से पूछो मैं कौन सी आत्मा, मैंने कौन से कर्म किया, हाँ इस जन्म के बचपन से अब तक आप जानते हो, लेकिन इससे पहले जन्मों में भी वो स्वप्नों में आते हैं, जब मैं रात को सोता हूं किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, किस प्रकार के कर्म अंदर भरे हुए हैं वो दिखाई देते हैं, मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं, ये हम जानते हैं हरेक व्यक्ति, तो हरेक को अपने आप को बैठ कर पूछो मैं कौन सी आत्मा, सत्यु की आत्मा हूं, त्रेतायुग में आने वाली हूं, द्वापर में आने वाली हूं, कलयुग में आने वाली हूं, बाबा ने कहा मुक्ति का भी वसा मैं देता हूं, जीवन मुक्ति का भी देता हूं, तो कौन सा वसा लेने वाला बच्चा हूं मैं, पूछो। दूसरा पूछो, अगर मैं
आत्मा ऐसी हो तो मेरा रूप कैसा है? आत्मा के अंदर भी प्रकाश के अंदर भी अलग अलग कलर है, काली आत्मा, लाल वाली, ग्रीन वाली, सफेद। अगर स्वच्छ सफेद चमकता हुआ सितारा हो, मैं कौन सी आत्मा? अपने आप को देख लो, पूछ लो, मैं कौन सी हूं? मैं सफेद आत्मा, स्वच्छ चमकता हुआ ज्योति बिंदु। तीसरा पूछ, मेरे गुण कौन से है? अभी भी मेरे अंदर क्रोध के संस्कार है, क्रोध करने वाली मैं आत्मा हूं, देवी गुण, पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा। मेरे जीवन में अभी भी दुख है, सुख नहीं है, कारण देवी गुण का और आसुरी गुण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार है। तो अभी कौन सी आत्मा हो गया? आसुरी संप्रदाय वाली। अगर मैं दैवी संप्रदाय वाली दैवी आत्मा हूं, दैवी गुण है, सात गुण, एक एक गुण पूछ लो, क्या मेरे अंदर एक गुण है? औरों को बताना सबसे सरल है, मुखड़ा देख ले प्राणी, यहां बैठे बैठे अपनी रिसर्च करो, अपने आप को देख लो कि मेरे अंदर कौन से गुण है। अगर कोई ये गुण ठीक नहीं है, आज के बाद ये गुण का उपयोग नहीं करना चाहिए, मेरा नहीं, मुझे ये गुण ईश्वरीय गुण देवी गुण धारण कर, ये नहीं करना चाहिए। ये बैठ के अपने आप को पढ़ाओ, समझाओ। आपको बाबा सबको ज्ञान सुनाता, आपको भी बोलेगी, सुनना सब कुछ नहीं, सुनने के बाद अपने आप को बैठ के पढ़ाना पड़ता है। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चे घर में जाके वो मत करते, जो पढ़ा हो जाके वो मत करते, यहां भी जो बाबा ने ज्ञान सुनाया बैठ के अपने आप को पढ़ाओ। चौथा, मेरे कर्म मैं क्या करता हूं, इन आंखों से देखता हूं, मुझसे बोलता हूं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मुझे अभी इस शरीर से कोई काम नहीं, तो मैं क्यों बैठा हूं शिव बाबा को याद करने के लिए? शिव बाबा कहां है? सूर्य चांद सितारों से तो परम धाम में है, कुछ दिखाई नहीं देगा, आराम से इधर देखते बैठो, कौन आया कौन गए, इधर उधर नहीं देखना, एक जगह देखते रहो और अपने आप से पूछो, मैं कहां से आया? परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? सर्वशक्तिमान शिव बाबा। देखो आपके विचार कैसे जाते हैं, जैसे मोबाइल में नंबर डायल कर दिया आपने, आपका वाइब्रेशन हुआ, आवाज यहां से अमेरिका गया, सिर्फ यहां आपने नंबर घुमाया, तो कैसे गया? ऐसे यहां भी सेम विधि है, यहां भी बैठकर आप आत्मचिंतन करो, आत्मा के प्रति सोचो, मैं कौन, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरे मैं क्या करता हूं शरीर में बैठकर, मैं कहां से आया, आत्मा चिंतन करो। तो आत्मा के विचार, आत्मा लाइट है, हल्की है, तो आत्मा के विचार परमात्मा की आत्मा ही है, तो आत्मा के विचार वो खींचता है। जैसे भी यहां आप नंबर जब डायल करते हो मोबाइल के अंदर, तो आपका आवाज वहां टावर है वो खींचता है, अगर वो टावर नहीं है तो ये आपके आवाज वहां नहीं जाता। तो यहां भी जब आप बैठ के ऐसे विचार, आत्मचिंतन नहीं किया, शरीर का आवाज ऊपर नहीं जाएगा, शरीरधारी बैठ के इधर बैठेंगे आपकी आवाज ऊपर नहीं जाएगी, आत्मचिंतन चाहिए। तो आत्मचिंतन के बाद परमात्मा चिंतन, शिव बाबा कौन? पवित्रता का स्मरण। शिव बाबा किस पे पवित्र है? शरीर तो है नहीं, किस पे पवित्र है? सोचो, शरीर ने कहा, बाबा के मन में कोई देह देहधारी का विचार नहीं, बाबा के बुद्धि में किसी देह देहधारी का चित्र नहीं, मन बुद्धि स्वच्छ। मैं भी उसी बाप का बच्चा, मैं भी परम धाम में था। बाबा आप सबको सुख देते हो, बाबा आप सबको शांति की शक्ति देते हो, तो बाबा से बात करते रहो, बाबा के आठ शक्ति, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता, सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति का भाग्य विधाता,
में बुद्धि का पांच शक्ति, एक एक शक्ति लेकर चिंतन। जैसे आपने नंबर यहां होने के बाद डायल होता है, आवाज आता है, फिर उनसे आप बात करते दिखाई नहीं देता, यहां भी नंबर की आत्मा का चिंतन किया, बाबा से बात करो। तो क्या बात करो वो बताए, सिर्फ शक्तियों के ऊपर बात करो और कुछ, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। अगर उससे बात करते रहते हो तो उसकी शक्ति से आप जुड़ गए। अभी उस शक्ति को, हाँ बाबा मेरे अंदर, मैं आत्मा, आत्मा का नहीं, क्रोध का संस्कार है, आपकी शांति की शक्ति से ये क्रोध का संस्कार मिटा, ये मेरा नहीं। शक्ति का प्रयोग अपने संस्कार पर करो, तो ये पहले स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हो। जो मेरे अंदर गलत संस्कार है कि बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, डॉक्टर ने भी कहा ये दवाई सवेरे खाली पेट लेना चाहिए, ये खाने के बाद देना चाहिए, वहां भी विधि है, यहां भी विधि है। तो ये शक्ति का प्रयोग संस्कार अपने परिवर्तन के लिए करो, तो परिवर्तन। दूसरा, अगर सभी इधर इतने बैठे हो, सभी के मन में एक जैसे विचार चल रहे हैं, जो सुनाया अभी, आत्मा का चिंतन संगठित रूप में, और सभी का मन बुद्धि परम धाम पर जाती है, और कहते हो बाबा इस जगह को बिल्कुल शांत शीतल करो, तो बाबा का चिंतन करते हो आप, तो जो शक्ति मिलती है उसको कहते हैं शांति की शक्ति। अपने आप ये स्थान को आप शक्तिशाली बना सकते हो। स्थान को कैसे परिवर्तन करो, अशुद्ध वातावरण को कैसे शुद्ध करना है। लेकिन एक व्यक्ति की नहीं, एक अगरबत्ती जलाओ से इतनी खुशबू फैलती नहीं, हजारों अगरबत्ती जलाओ तो एकदम सुगंधित हो जाएगा जल का वातावरण। तो संगठित रूप में ऐसी एक जैसे विधि से तपस्या चलती है, तो आप वातावरण को परिवर्तन कर सकते। तीसरा, अगर बाबा से कनेक्शन जोड़ करके दिखाई दे रहे बहन जी के मन में गलत विचार चल रहा है, आपको पता चल रहा है, देखते दृष्टि देखती है, इधर उधर देखते है, ठीक नहीं है, तो अगर आपकी बुद्धि जुड़ी हुई है, शिव बाबा ये आपके बच्चे, इस आत्मा को शांति की शक्ति, इस आत्मा का कल्याण करो, तो देखते हुए जो आप संकल्प करते हो शिव बाबा को कनेक्शन जोड़कर, तो उसके विचार को आप परिवर्तन कर सकते हो। इसको कहा औरों की वृत्ति को परिवर्तन कर, लेकिन कभी विधि चाहिए, अपने आप नहीं है, आपकी दृष्टि के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है, तो शक्ति वो कनेक्शन वहां चाहिए। तो बाबा को कहते मैं इनको ठीक करना नहीं, बाबा आप, बाबा को बोलने के लिए बाबा के साथ कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन जोड़कर अगर संकल्प करते हो तो औरों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो। ये अभ्यास, तब बाबा ने कहा साइलेंस के ऊपर ये साइलेंस किसको कुछ दिखाई नहीं देती, लेकिन ये अभ्यास हमारे में से कितने बाबा के पीछे कौन कर सकता है, साइंटिस्ट कौन बन सकता है, अपने अपने के संसार भी देख लो और ये भी देख लो, दोनों कर सकते हो, दोनों लड्डू खा सकते हो, नहीं दोनों नहीं, उसमें भी समय चाहिए, थोड़ा समय उसमें, ज्यादा समय इसमें चाहिए। अब हमारा संसार में ज्यादा समय जाता है, और इस साधना में देखो साइंटिस्ट होते हैं सारा दिन, उनको भूख नहीं, नींद नहीं, कुछ भी नहीं, एक बार रिसर्च पर बैठते हैं, दिन रात बैठे जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। बाबा के पास भी कई गए बहने बच्चे, बाबा के बच्चे हैं, एक हफ्ता तपस्या, एक हफ्ते तक तपस्या में बैठे, सिर्फ थोड़ा सा खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एक दिन करते सवेरे से रात तक, तो कोई प्राप्ति के लिए कुछ कुछ शांत किया, बिना कुछ किए किसी को कुछ नहीं। देखो दो भाई थे, दो भाई ने पतंग उड़ाते थे, पतंग उड़ाते उड़ाते साइकिल कैसे चलाना, ऐसे प्लेन तक चलाया, दोनों भाइयों ने मेहनत करके, ये प्लेन किसने बनाया, अपने आप ऊपर से नहीं आया, पहले पतंग उड़ाते थे, पतंग के बाद साइकिल, साइकिल से प्लेन कैसे बनाया। तो हम भी पहले यहां
बैठते थे चुपचाप, भजन करते थे, पूजन करते थे, अभी ज्ञान मिला। यहाँ बैठ के ऐसे चिंतन करो, मन बुद्धि को वहां एकाग्र करो। उस शक्ति से जो बाबा ने आज कल इन तीनों को परिवर्तन कर सकते हो, विधि चाहिए और करने वाला व्यक्ति चाहिए। हम चाहते हैं हमारा एक लक्ष्य हुआ, अभी भी हमारा जीवन समय स्थूल चीजों में जा रहा है, इस सूक्ष्म प्राप्ति में ध्यान नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। 10 करोड़ रुपए दिखाई देता है, लेकिन जाते समय 10 करोड़ रुपए आप लेके नहीं जा सकते। वो इतनी मेहनत करके जो कमाया वो सब कुछ यहां छोड़ के जाना है। लेकिन कोई कह रहा था कि कल्याणपुर वाले भाई बहन जाते समय लेके जाएंगे, ले जाएंगे। कल्याणपुर में जो रहते हैं वो जाते समय धन संपत्ति सब लेके जाएंगे, हाँ ले जाएंगे, ऐसे कह रहा था। नहीं ले जाएंगे, ले जाने वाला तो बताओ, मेरे पास भी 10 करोड़ मैं लेता हूं, सत्य को मुझे दे देना। ले जाने वाले हो कोई? हाँ कल्याणपुर में ले जाने वाले हैं, देखिए दे देना। तो सब प्रकाश भाई थे, वो इधर चाहते थे, सब लेके जाएंगे। माताओं के पास सोना है, मकान है, पैसे है, जाते समय ले जाएंगे, माता जी ले जाएंगे ना? नहीं ले जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? आप सोच लो, जाते समय आपके साथ क्या जाएगा। तब आज एक टॉपिक रखा कि अगर अपना भाग्य बना के जाओ, जो आज कमाए के बीज बोएंगे उसका फल कल वृक्ष कहे। आज एक ऐसा बीज बोलो तो वो आपको कल्प वृक्ष 100 साल तक फल देगा, सारे कल्प में आपको फल मिलेगा। ऐसा अभी बीज बोलो, एक जन्म के लिए बाबा गारंटी देता है, 21 जन्मों के लिए मिलेगा, गारंटी है। लेकिन उसके बाद भी सारे कल्प के लिए आपको फल मिलेगा, तो वो बताओ कौन सा बीज बोएंगे आप जो सारे कल्प में आपको चाहिए? कौन बताएगा? सारे कल्प में आपको कुछ मिल चाहिए तो ऐसा अभी बीज बोलो, तो क्या चाहिए आपको सारे कल्प में? दाल रोटी सब्जी और नहीं, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीन चाहिए ना, निरोगी काया चाहिए, शरीर को बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये कहते हैं ना। धन संपत्ति से भरपूर होना चाहिए, मन सदा हर्षित होना चाहिए। तो बाबा भी वही वर्षा देने आए हैं, वही विधि बताता है, बच्चे तन निरोगी चाहिए, अपने आप नहीं। रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, ऊपर से आप भेजेगा सुबह वहां कोई देगा? आपको बोना है ठेके में। चावल दाल चाहिए तो चावल का दाना एक डालो, 50-100 दाना लगेंगे। दाल चाहिए तो दाल का भी बीज बोना पड़ेगा, सब्जी चाहिए सब्जी भी बोनी पड़ेगी, नहीं तो मांगना जाना पड़ेगा। तो मांगना चाहते कि बोना चाहते? तो ऐसे भी तीनों प्रकार के ये कर्म है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। वो आप बताओ कि इस शरीर को कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? वैसे बताओ, इस शरीर को कभी भी बीमारी नहीं आनी चाहिए, निरोगी का बाबा कहता है, निरोगी का है कौन देगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप बाबा जी का सेवा, कितनी सेवा करनी चाहिए, कितनी सेवा करनी चाहिए? 1 घंटा 2 घंटा सारा सारा दिन समर्पण हो जाता है तो संसार कौन देखेगा आपका? मन से योग लगा के, योग लगा से योग की शक्ति, शरीर को निरोगी कैसे बनाएंगे? तन से कितना करना चाहिए? 1 मिनट करना चाहिए, 1 घंटा करना चाहिए, कितना करना चाहिए? मन से, मन ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। आपका तन की बीमारी आपकी कैसे जाएगी? आपको बीमार नहीं होना है, दूसरों का बाद में वो भी नहीं होगा। आपको सारे कर्म में कभी बीमारी नहीं आनी चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? ज्ञान से विकल्प विनाश होंगे, लेकिन शरीर निरोगी कार्य नहीं मिलेगा।
गेहूं का बीज बोलो तो चावल उगेगा? निंदा है ना भगवान? नहीं है ना। तो ये शरीर को कभी बीमारी नहीं आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए भाई बताओ? कर्म कौन सा करना चाहिए, कितना करना चाहिए? मन स्वस्थ रहेगा ना, मन से मन आत्मा अलग शरीर अलग, ये दो चीज अलग, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दो चीज अलग है। तो मन की करते मन के अंदर अच्छे विचार करेंगे आप, मन स्वस्थ, शरीर की बीमारी ठीक हो। शरीर को कैसे, ये शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, इसको कैसे ठीक करेगा? तब कहा बाबा ने हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। इस शरीर को कभी बीमारी नहीं आना चाहिए, बाबा गारंटी देता है। अपने आप में कुछ करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए वो बताओ। कर्म की सेवा के लिए बाबा के घर में कितना करना चाहिए? एक मिनट, दो मिनट, एक घंटा, दो घंटा, वो भी कम, कितना करना चाहिए? 8 घंटे चलेगा? फिर आपका संसार कौन देखेगा? आपका घर को भी सेवा करना पड़ेगा, 8 घंटे इधर ही बैठे रहेंगे तो घर कौन देखेगा? कितना करना चाहिए? सकाल देने का आपके पास है? सकाल से नहीं देना तो चाहिए। कितना दे? एक दिन, दो दिन, एक घंटा, दो घंटा योगा करो तो शरीर को बीमारी नहीं होगी। हाँ, इसलिए कहा अच्छे से सुनना कि व्यवस्था है, ऐसे नहीं मन मंत्री नहीं, बाबा मुझे भी सुनाता है। बच्चे की शरीर ये आपका नहीं, आप कह नहीं सकते मेरा कल, कल टिकट आया तो छोड़ के चले जाना। बाबा आप बाबा को बोलो, धर्मराज को बोलो, आज निकल आता हूँ, चलेगा? नहीं, छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, टिकट आया चलो, मेरा कहते थे आप रुक नहीं सकते। तो ये ईश्वर ने आपको दिया ईश्वर की सेवा करने के लिए। तब कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में अश्व शरीर के द्वारा सेवा करो। कितना? बाबा ने कहा 1 मिनट इस यज्ञ की, 1 मिनट सेवा करो, 1 जन्म के लिए इस शरीर को निरोगी काया वरदान बाबा ने देगा, ये यज्ञ देगा। बाबा विधि बताए, कोई विधि बताता बहन जी, 1 बीज चावल का खेती में डालो 50-100 दाना लगेंगे, वो आपको बोला विधि बताया, अगर आप नहीं बोएंगे तो मिलेगा देखे लगे ना। तो बाबा का नाम है शिव बाबा, कुछ नहीं देता, विधि बताता, जहाज के बनाने की विधि बताता। अगर इस शरीर को कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए, संगम पर खेती बोने का समय जब बरसात आता है तब बीज बोते हैं, बरसात जाने के बाद बोलो चलेगा? मैं बीमार था, घर में शादी थी, किसको बताएंगे? तब दिल को खेती बोया नहीं आपने, क्या खाएंगे? मांगना पड़ेगा। तब का सीजन है जब भगवान स्वयं आता है, तो भाग्य बनाने की विधि बताए बच्चे 1 मिनट इस यज्ञ की सेवा करो। कोई भी सेवा करो, कुर्सी घर निकाल के रखो, सफाई करो, बगीचे में पानी दे दो, बर्तन साफ करो, सब्जी काट के दे दो, बाबा को भूख लगता है चावल साफ करके दे दो, कोई भी 1 मिनट। अभी आप बताओ कि कितने जन्मों के लिए आपको निरोगी काया चाहिए? ठीक है ना, पक्का याद रखना, 22 जन्म में बीमारी आए तो चलेगा, आपने 31 जन्म कहा, देखा आपने कहा 31, 22 जन्म में बीमारी आए तो चलेगा। माता जी कहते 31 जन्म चाहिए। हाँ, तो सारे कलम को चाहे 84 जन्म तक, ये भगवान बहुत चतुर सुजान है, ऐसा नहीं भोला नाथ नहीं है, बच्चे जितना बोया उतना मिलेगा, उसके पास पर कुछ भी नहीं, कोई दवाई नहीं भेजेगा, आपको करना है। तो पूछ लो मैं इस तन से इस यज्ञ की कितनी सेवा करता हूं, कितना मिनट करता हूं? बाबा मैं रोज मुझे सुनता हूं, रोज योग करता हूं, ये बीमारी क्यों? बच्चे तन से इस यज्ञ की सेवा नहीं किया,
भगवान को पूछने वाला और किसी को नहीं पूछने वाला। भगवान से कहते बाबा मुझे ये बीमारी क्यों? बच्चा आपने तन से इस यज्ञ की सेवा नहीं किया, यज्ञ ने आपको ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया, ऐसी दुआएं नहीं कमाई और कोई नहीं दे सकता। तो ये विधि जान लो अच्छी तरह से, सिर्फ योग रोज करते हुआ मुझे भी सुनते हो लेकिन सेवा नहीं किया, ये तन और किसी की सेवा में लगाया तो कैसे होगा? अपने आप होगा। तो ये याद रखना, ये तन से किसकी सेवा कर रहे हो? 24 घंटे ग्रस्त छोड़ना नहीं, उधर भी सेवा करो। कितने सेवा समय आप शिव बाबा के यज्ञ की सेवा में दे सकते हो पूछो अपने आप से, कितनी सेवा कर सकते, कितना करते हो? कल ऐसे बोलना नहीं, समझ में आया? अब इस पर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताओ। तो बताओ कितनी सेवा करना चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कितना करना चाहिए, कितना करते हो? हाँ अभी माता जी की बात आता है ना, अभी आपकी भी बात आता हूं। अभी माता जी पूछेगी कि भाई जी मेरे शरीर से तो कुछ सेवा होता नहीं है, मैं बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ, मुझे औरों से सेवा लेना पड़ता है, तो मेरे पास पैसे हैं, बाबा को मैं पैसे देती हूँ तो क्या बाबा मुझे निरोगी काया वरदान देगा? ये भी बताओ। अब माता जी कहती मैं बुजुर्ग हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकते, शरीर बुजुर्ग हो गया, बीमार भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास पैसे हैं तो मैं बाबा के यज्ञ में पैसे डालती हूँ तो बाबा मुझे निरोगी काया वरदान देगा, यज्ञ देगा? अब बताओ। हाँ माता जी का धन से नहीं कर सकते हैं, धन से धन डालती हूँ तो तन निरोगी काया होगा? नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? तो मन अच्छा होगा, तन तो ही रहेगा ना, तन अलग है मन अलग है, मन तन में नहीं है, इस तन को बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपके पाप करके धन है, धन लेना हो तो तन निरोगी होगा। अतः बताओ भाई, बताओ कुछ उपाय बताओ इसके लिए, सोचना नहीं तो नींद आ जाएगी। अच्छी तरह से विचार करके जवाब हर एक को देना है, सिर्फ सुनना नहीं आज, कुछ निवारण आप बताओ। अगर माता जी पूछती है भाई जी मेरे शरीर से कुछ नहीं हो सकता तो मेरे पास धन है, मैं धन देती हूं तो क्या बाबा मुझे ये यज्ञ मुझे क्या निरोगी काया वरदान देगा? नहीं। गेहूं का बीज बोलो चावल तो नहीं उगेगा, तो क्या करना चाहिए, इसका कोई उपाय बता दो। निवारण होगा ना, भगवान के घर में निवारण नहीं होगा तो क्या हो? कुछ निवारण बताओ, क्या करना चाहिए माता जी को? चलो दूसरा बताता हूं, और एक अभी तन तन से हुआ और बताता हूं। अगर आप कहते हो कि धन ये गरीब क्यों, ये करोड़पति क्यों, किसने बताया इनको करोड़पति? शिव बाबा ने ऊपर से पैसे दिया तो कैसे एक गरीब बन गया? तब बाबा ने कहा बच्चे संगम पर धन आप लेके नहीं आए थे ना लेके जाएंगे, तो आपके पास कुछ भी धन है ईश्वरीय सेवा में भगवान की सेवा में लगाते हो वो एक का पदम गुना देता है, छाता लेके नहीं जाएगा। तो आप पूछो धन कितना लगाते हो आप, एक का पदम गुना है। अब और एक कोई बताता है कि भाई जी मेरे पास तो धन है ही नहीं है, तन अच्छा, बहन जी कहती है मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मैं 24 घंटे बाबा की सेवा करती हूँ लेकिन धन मेरे पास नहीं है, तो क्या बहन जी धनवान बन सकती है? इनके पास पैसे नहीं है, तन अच्छा है, तन की सेवा करती हूँ तो धन मिलेगा? मिलेगा कहां से? मिलेगा तो सेवा करती हूँ, तन से करती, धन कहां से? ऊपर से बाबा से पैसे भेजेगा कौन दे? इसका भी निवारण बताओ भी क्या करे बहन जी। वो कहते मेरे पास पैसे नहीं, मैं छोटी हूँ, पढ़ रही हूँ, शरीर बहुत अच्छा है, मैं सवेरे से रात तक सेवा
लेकिन भंडारे में डालने के मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या करना चाहूंगा? माता जी बताओ। हाँ, पैसे दूसरा देगा, मतलब आप कहते हो उनको दूसरों के पास जाके नौकरी करो। दूसरों के पास वो बहुत अच्छे माँ बाप सुनेंगे, छोटी बच्ची है मेरी, दूसरों के पास नौकरी करो, पैसे के लिए पढ़ाई करेंगे अभी, नौकरी करें जच नहीं है ना। हाँ, गरीब कोई है तो काम करो, काम भी मिलता नहीं अभी लोग के पास। मजदूर को लगा कर पैसा देना पड़ेगा ना, इनके माता जी भी कह रहे हैं। हाँ, ये महंगे नहीं, माता जी के लिए कहते हो आप, ये चलिए ये थोड़ा सही है कि सोचना, माता जी के पास धन है पर ठीक नहीं, तो माता जी ने किसी को बुलाया, भैया तुम इधर काम करो मैं आपको पैसा देता हूँ। लेकिन माता जी के शरीर से तो नहीं हुआ, लेकिन धन से हुआ, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा नहीं। स्वयं का तन नहीं लगाया, औरों का तन लगाया, धनवान होगी लेकिन तन का इंटरेस्ट मिलेगा थोड़ा, नहीं ऐसा भी नहीं थोड़ा मिलेगा, है ना। एक आपका निवारण थोड़ा ठीक है, दूसरे को पैसा दे, पैसा है पैसा दे। अभी धन बहन जी क्या करे वो बताओ, इनके पास धन ही नहीं है, उसका भी उपाय बताओ, उसको क्या करे? अब माता जी बहन जी कहते दूसरों के पास जाके बर्तन साफ करो, हाँ नौकरी करो, कमा करके बाबा को दे दो, ऐसा ये तो बन सबके लिए। हाँ, कर अच्छा है तो कहीं भी जाके काम करेगी, बाबा की सेवा करेगी, बाबा पैसे देगा? पैसे डर कैसे लाए? आपने सही बोला, वो सही है, लेकिन उसको थोड़ा सोचो कि वो क्या करे, डर कहाँ से लाए? क्या देगा, कैसे देगा? बाबा की सेवा करी, क्या सेवा? अगर शरीर से करनी है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, या मजदूर से करवा रहे? बाबा के घर में कुछ सेवा करेंगे, पैसे देंगी बहन जी? नहीं, सेवा करो, बाबा के बाबा देगा, तो ऐसे तो नहीं ना। उसका कुछ सही बोल रहे हो आप, लेकिन उसका और स्पष्टीकरण चाहिए। आपकी बहन जी का धन डर है लेकिन उनके पास नहीं, तो क्या करें जी? कौन बनाएगा? ज्ञान सुनाएगा तो पैसे आएगा, ज्ञान धन देंगे, लेकिन धन भी तो चाहिए ना। ऐसे कर सकते हो आप, किसी को जाकर धनवान को ज्ञान सुनाओ, वो आपको 1,00,000 रुपए देगा, 5,000 रुपए देगा, बच्चा बन जाएगा। हाँ, लेकिन वो पैसे तो नहीं देगा बाबा को, लेकिन वो कितना देगा? 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, श्रीमंत बनना है। तो और भी एक तरीका ठीक है, ज्ञान सुनाएंगे बड़े होंगे, कोई ज्ञान सुनना चाहे तभी ना, अभी तो नहीं। सेवा से बचाए गए, अगर आप अपने लगाओ ना, आपके पास धन नहीं है, आप भंडारे में पैसा डालना चाहते हो बाबा के, तो धन की सेवा आप क्या करेंगे? आप कहते हो मेरे पास धन नहीं, कल अच्छा है, तो कैसे जाएगा कि सेवा करेगा? क्या सेवा करेगा? थोड़ा ठीक है, लेकिन और भी चीज है, और उपाय बताता, दोनों का उपाय है। मैंने कहा आपके तरह पे सुनो, देख लो जो तन के लिए बनाया, अगर माता जी बुजुर्ग है कुछ नहीं कर सकते हैं, धन है तो किसी को धन दे करके काम सेंटर का कर सकते हैं, मकान बन रहा है, खेती में सफाई कर रहा है, कुछ काम करवा सकते हैं, फिर उससे भी इंटरेस्ट लगा, स्वयं का तन नहीं लगा, और उसका उपाय नहीं कुछ। लेकिन और एक चीज है, धन की बात बताया, धन आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास खेती है, खेती में अनाज होता है, सब्जी होती है,
संग्रह में देते हो, बहन जी को भंडारे से 100 रुपया खर्चा करना पड़ता है एक महीने के लिए, 1 लीटर दूध लेना है। तो आपने कहा बहन जी आप दूध मार्केट से नहीं लाओ, मैं 1 लीटर दूध ला के देता हूँ, तो 100 रुपया आपका जमा हो गया। घर में सब्जी खेती में होती है, आपके पास अनाज है, अनाज लेने के लिए पैसे देना पड़ता है, तो वो पैसे भंडार से तो नहीं गया, 100 रुपया आपके नाम से जमा हो गया, अनाज भी आ गया, सब्जी भी आ गई, सब्जी लेने के लिए भी पैसे देना पड़ता है, भंडार से जाता है ना, तो आपका जमा हो गया। धन मन से कर सकते, तन की बात है, तो तीनों चाहिए, तन मन धन कोई नहीं दे सकता। और आपने एक करने से एक मिल जाएगा, नहीं, तीनों अलग अलग चीज है। तब प्रश्न आया, कोई गरीब क्यों, कोई श्रीमंत क्यों, किसने बनाया को जन गरीब, किसने श्रीमंत बनाया, एक करोड़पति वाले खाने के लिए कुछ नहीं। जब भगवान आया था, भगवान को तन मन धन आपका चाहिए, और गरीब और बाहर वाले भी देते हैं, नहीं, अज्ञानी का नहीं चाहिए, अपने बच्चों का पवित्र धन तन मन चाहिए। तो जितना अभी संगम पर बाबा को तन मन धन से मदद करते हो, तो बाबा ने गारंटी दिया है कि जन उसके बाद सारे कलम में भी है, तो आपके हाथ में आपका तकदीर है। आप कुछ लोग 24 घंटा मेरा समय स्वास्थ्य संकल्प धन तन मन किसकी सेवा में लग रहा है, फिर अपने आप से प्रश्न करना कि मेरा मन इतना अशांत क्यों रहता है, मुझे ये बीमारी क्यों, मेरे पास धन नहीं था मैं गरीब क्यों, ये अपने आप से पूछो। बाबा ने दर्पण दिखाया, ज्ञान दिया, तन आपके पास है, ऐसे नहीं कि दो हाथ नहीं है दो पांव नहीं है, जिसके पास है उनकी बात, अगर आप ये भी पूछते वो भी बताता आपको। आज एक व्यक्ति जीवित है, आप पूछ सकते हो, दोनों हाथ काम नहीं करते, पैरालिसिस पूरा, दोनों पांव भी नहीं, मां उसको गाड़ी से ले आती है मधुबन में भी, कुछ नहीं करता, अंगुली भी सब ऐसे, उसको किसी ने सिखाया कि आप मोबाइल लेके एक अंगुली से ऐसे हाथ कर लिए मुरली के पॉइंट भेजता है, बहन जी उसको मुरली रात को पहले दिन देता देती है, सारी रात को बैठ के 4 लाख लोगों को मुरली का पॉइंट वरदान स्लोगन 4 लाख लोगों को भेजता, घर में बैठे कुछ नहीं कर सकता। कितने साल, अभी थोड़े समय पहले 5-6 साल हो गए, किसी ने कहा बैठे बैठे आप कुछ कर सकते हो, तो हाथ कैसे थे, उसको अंगुली ऐसे ऐसे करके सेंटर की बहन उसको पहले दिन रात को मुरली देती, सारी रात बैठता सोता नहीं, दिन में सोएगा, रात को बैठ के 4 लाख लोगों को मुरली के पॉइंट वरदान स्लोगन भेजता, अंगुली नहीं हाथ मेरे को कमाई कर रहे हैं, सारी रात जब तक तपस्या बाबा की सेवा करे, और किसी के लिए नहीं कर रहा, और किसी के लिए तन ठीक नहीं है वो भी कर सकता है, ऐसे जीवित है, कहानी नहीं, आप देख सकते हो, बात करते हर साल 2 दफा मधुबन में आता है, मां लेके आती है, दोनों हाथ काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकता, पांव चल भी नहीं सकता, फिर भी 4 लाख लोगों की सेवा करता है, और किसकी, ज्ञान की सेवा करता है, शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार सेवा कर रहा है, बताओ हो सकता है, दोनों हाथ में आंखें तो दोनों हाथ दोनों पांव सब भी है, तन है मन है धन है, टीवी देखने के लिए और किसी के लिए धन खत्म कर रहे हो, जमा के रखा क्या ले जाएंगे आप, तब का भगवान की सेवा। मैं एक आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, जो भावना बात कर रहे हैं कि अभी चल रहा है कहानी, जीवित है कहानी, पंजाब में एक बहन कभी एक दिन मिली, भाई जी हमारे अभी तक छोटा सेंटर है, छोटा सा बाबा ने मकान दिया, हमने कहा बड़ा देगा बाबा कभी, एक दिन एक डॉक्टर ने नया मकान बना हुआ था रेडीमेड फुल, तो बहन जी को कहा बहन जी आप एक मकान ले लो सेंटर खोल दो, उन्होंने हमको बताया फोन करके, वो गई और उनके साथ बड़ी टीचर भी गई, बड़ी बहन भी जो दूसरे सेंटर में, दोनों गए, दोनों जा करके उस मकान को देखा, पाव रखा, रखती बहन जी कहते कि मुझे फोन करके भाई जी ये मकान बाबा की सेवा के लिए नहीं, योग्य नहीं,
बहनी दिमाग ठीक है, बड़ी बहनी कुछ भी नहीं कह रही है। नहीं, मुझे पाव रखते संकल्प आया कि ये नहीं लेना चाहिए। रेडीमेड न्यू अभी तक ओपनिंग के लिए कोई घुसा भी नहीं अंदर, कहते नहीं लेना चाहिए, नहीं लेगा, वापस आ गए, नहीं चलेगा। दो महीने के बाद कोई एक साधारण व्यक्ति साइकिल से आया, बहन जी आप तो उस दिन मकान मिला, ढूंढ रहे थे, जमीन मिला नहीं तो ये ले लो 9 लाख जमीन ले लो। जमीन लेकर अभी 2 फ्लोर तैयार हुआ, कहते हुए और एक थोड़े समय अगले शिवरात्रि तक तीसरे फ्लोर तैयार करेंगे। 2 फ्लोर अभी हुए। अपने आप सच्चे दिल पर सारे भगवान देता है, मनुष्य नहीं। किसी बच्चों को जैसे बेकरी पार्ट में भी यज्ञ में 50 पैसे भी नहीं थे, 12 बजे तक खाने के लिए भी कुछ नहीं। मम्मा गई, बाबा क्या करें, कुछ बाबा बैठा है, मेरा संसार नहीं। 350 बहने भाई थे, कुछ भी नहीं 12 बजे तक खाने के लिए, बाबा बैठा है। बॉम्बे में एक माता 1000 रुपए का नोट लिफाफे में डालकर पोस्ट, बाबा ने कहा पोस्ट ऑफिस आने, पोस्ट आने दो, तब तक है ना 12:30 बजे पोस्ट ऑफिस आता है, पोस्ट का लेटर आता है। एक लिफाफे के अंदर देखा, लिफाफा खोला, 1000 रुपए, जाओ मार्केट से सब्जी अनाज लेके आओ। कौन देखता है, कौन खिलाता है? और माता की ज्ञान भी नहीं थी, ज्ञान में भी नहीं चलती थी कोई रिलेशन। उनको पता चला कि यज्ञ में बहुत बैगरी पार्ट है, खाने के लिए कुछ नहीं, कैसे भेजे पैसे, लिफाफे में डाल। मनी ऑर्डर करना है तो ऑफिस पोस्ट ऑफिस में जाना, पति को और किसी को पता चलेगा, लिफाफे में डाला दिया। तो भगवान, तब बाबा ने कहा आप भी ऐसे बच्चों का ऋणी है, क्योंकि भगवान को मदद किया है और किसी को नहीं। देवताओं का अलग डायरेक्ट, आज बाबा ने कहा बाप डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाता है, डायरेक्ट सिखाता है, डायरेक्ट मदद करता है, किसी के द्वारा नहीं। तो डायरेक्ट भगवान की मदद, क्योंकि हमें विश्वास है कि शिव बाबा की मुरली सुनते, शिव बाबा आया है, भगवान आया है, तब आप इधर बैठे हैं, बाकी को पता नहीं है। तो बाबा भी चाहते हैं अगर बच्चों का तन मन धन चाहिए, स्वच्छ तन मन धन चाहिए, नहीं तो कोई किधर से कमा करके दे सकता है, लेकिन उससे शांति नहीं है। बाबा के बच्चों का तन मन धन लगना, तन भी लगना चाहिए, तन से भी से उसके पास समय है, तन से सेवा करो। ऐसा हो सकता है। और एक बात बताता हूं, कैसे भगवान खिलाता है वो भी बताता हूं। आपने सुना भी होगा, पहले बताया कि पता नहीं, जब साकार में ब्रह्मा बाबा था तब बैकरी पार्ट था, इतना कुछ नहीं था। बाबा बच्चों के साथ बैठ के खाना खाता, अकेला नहीं खाता, सभी बच्चे और बाबा बैठे थे जमीन पर। तो बाबा भी खाना खाने पहुंचा, सभी लोग बैठे हैं, और जो खाना खिलाने वाली बहन ने एक शब्द बोला कि दोबारा दाल मांगना नहीं, एक ही दफा मिलेगी। बाबा उठ के चला गया, कुछ नहीं बोला। अरे बाबा जाके कमरे में बैठ गया। तो दादी के तरह बाबा सब लोग खाना खाने बैठे, आप चलो ठहरो, मैं बाबा से बात करता हूं। फिर दूसरी दादी के, बाबा सब लोग बैठे, आप चलो ठहरो, बाबा से बात करता हूं। और 5 मिनट के बाद आया, खाना खाने बैठा। तब तक पहले सभी बहनें थी, अब दीवार भी नहीं थी चारों तरफ, तो एक बहन वॉचमैन का काम करती थी, पहरा देती थी बाहर। तो एक बैलगाड़ी वाला मार्केट में अनाज ले जा रहा था बेचने के लिए, और वो दीवार के दीवार के अंदर घुस के आ गए। उसको उस बहन ने कहा, भाई जी ये आम रास्ता नहीं, इधर में आप उधर से जाओ। नहीं, मुझे अंदर ही आना है। माता ने अंदर घुस के आ गया गाड़ी लेकर, और मुझे सामान इधर उतरना है। उसने कहा, नहीं ये तो अपना आश्रम है, आप बाहर मार्केट में उधर से जाओ। नहीं गए। तो उसने जा करके बहन ने बाबा को बताया, बाबा ऐसा एक बैलगाड़ी वाला लेके आया, मानता ही नहीं है, बच्ची को हम जाने, अभी समय दिन में खाने खाने का समय है, उसको पहले खाना खिलाओ फिर मेरे से मिलाना। बाबा भी खाना खा रहे। तो
उसको आके खाना खिलाया, फिर बाबा से मिला, बाबूजी मैं मार्केट में ले जा रहा था अनाज बेचने के लिए, दाल सब्जी सब कुछ है, देख रहा था, मुझे कहा जाके उधर दे दो, अब मैं इधर गाड़ी से खाली करके जाऊंगा, सारा अनाज वहां डाल के, दाल की बोरिया थी सब छोड़ करके गया। किसने भेजा उसको? किसने बोला बात के? तब बाबा ने कहा ये मेरे बच्चे नहीं आपके है, करण करावल हार भगवान खिलाता है, सिर्फ आपका संकल्प आपको भी कुछ देने के लिए करने के लिए बाबा संकल्प देता, बच्चे ये काम करो, आपको संकल्प में आपके पास है कि संकल्प भी नहीं आया, तो बाबा को पता है किसका सफल करना चाहिए, किसका भाग्य बनाना है और किसका नहीं बनाना है। देखो देने वाले ने दिया मकान बना करके, लेकिन भगवान लेता नहीं है, भाग्य किसका बनाना है। और साधारण व्यक्ति साइकिल वर्कर करोड़पति नहीं, किसका भाग्य बनाता? बाबा ने गरीब निवास हो उनका ही सफल होता, जिसके पास है राजा का के गया, चोर लूट के गया, कोई आदमी चल गया, किसी का है सफल होता है। तो अच्छी तरह सोचना, और आपको नहीं बाबा को याद करके, बाबा को पता है किस बच्चे को धनवान बनाना है, कलम पहले दिन उन्होंने किया था, उनके अंदर संकल्प आता है नहीं मुझे ये करना है, जो किया था वही करेंगे। पहले जहां इधर बैठे थे अभी भी बैठे हो, पहले भी हॉल बना था अभी भी बनेगा, तब बाबा ने बच्चा आप देखते रहो सब बनेगा, क्योंकि बनी बनाई नहीं है, सिर्फ निमित्त बच्चों को बनाता है औरों से नहीं। तो इसके लिए अभी प्रकाश भाई के गले में हाथ डाल दिया कर दे कि 6 महीने के अंदर बनेगा, कम से कम समझता 1 साल, कम से कम कंप्लीट तैयार हो 1 साल तो लगेगा पूरा, एकदम रेडी फटाफट गड़बड़ी करो ठीक हो, ऐसे है ना। और आप सबके सहयोग है तो हो सकता, अभी मेहनत करने चाहते समझना तन मन धन कैसे, मन मन स्वच्छ तो मनसा सेवा करते हो, किसी को देखते औरों के प्रति शुभ सोचो, मुझे सुनाओ। जो सहयोग नहीं करना चाहते हो तो कोई नहीं है वो छुट्टी नहीं कर सकते, छुट्टी कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, आप बताओ ना भाई जी मेरे पास कुछ भी नहीं तक, हाँ हाथ धन भी नहीं है, है नहीं है, कितना पैसे है आपके पास, कितने पैसे बताओ, 1 लाख रुपया है नहीं, तो आप बताओ भाई जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, समझ में आया, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न तो बताओ, हाँ आप बताओ। विधि धन लगाने की, तन लगाने की विधि बहुत है, एक है अगर आप अभी सेंटर में आई, अभी बहन जी ने आपको देखा, माता जी बहुत मेहमान आने वाले हैं, सब्जी काट लो ये सेवा करो, तो आपके मन में विचार चलेगा भट्टी चल रही क्लास चल रहा है क्लास करना चाहिए, तो सेवा में घर में भी करती थी, तो यहाँ पे मुझे सब्जी काटने लगाया तो आपके मन में विचार चलेगा ना, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगी? एक परिस्थिति आपको त्याग करना पड़ रहा है, तो ज्ञान सुनना चाहिए, आप आए तो ज्ञान सुनने के लिए, तो सेवा करने लगाया, तो वहां भी दो तीन एक तरीका बता दो, ऐसे समय पर भी आप सेवा करें कि ज्ञान सुने, दुविधा है, तो बाबा ने ज्ञान सुनो का पहले फिर सेवा, तो क्या करें आप कर सकते हो तो पूछ लो, अभी करो कि बाद में करते हो, एक क्लास सुनते हो फिर सब्जी काटते हो सेवा करते हो, ये अभी काटना है तो आप करो या औरों से करो, और कोई माता है वो पढ़ समझ भी नहीं सकती है, उनको माता जी आज आप सब्जी काटो मैं क्लास सुनती हूँ फिर आपको सुनाती हूँ, जब कभी जरूरत पड़े मैं सेवा करूंगी आप क्लास में बैठ,
तो आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो और उनसे कराओ। एक दूसरा, अगर आपके पास धन नहीं है, धन ठीक नहीं है, तो औरों को आप धन दे करके, जैसे पानी डालना है, जैसे ईंट लाना है, सब्जी लाना है, जैसे गाड़ी चलाना, आपका बेटा है गाड़ी चलाना जानता है, तो आप कहते उनको गाड़ी चलाना, बहुत लोग आ रहे थे कल, बहुत लोग गए, तो बेटे को कहेंगे कल रविवार है खाली है तो बाबा की सेवा करो, हाँ गाड़ी चलाने का तैयार है, तो वो सेवा और बच्चों से कराओ और किसी से कराओ, इतना लगता है वहां तो आपका तन से नहीं कर सकते, तो दूसरों से कराओगे। फिर भी आपके पास 24 घंटे है, सवेरे आधा घंटा आ करके सब्जी काट के दे सकते हो, अनाज साफ करके दे सकते हो, अगर समय है तो वो एक तरीका बताता हूँ तन कैसे लगे। अगर सब्जी का बाबा को भूख लगता तन से सब्जी काट लो, अनाज कटे कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं करते, सवेरे से शाम तक बिजी है तो भी घर पे संसार भी बनाया आपने, संभालना है, तो उसके बाद बच्चों को कहेंगे बच्चे आप औरों से कराओ, बच्चे नहीं और किसी, आपके पास धन है, काम करने वाले बहुत है, औरों से कराओ, तो भी उसमें भी आपका भाग्य बनता है, करो या करवाओ, ना नहीं करना, क्योंकि भगवान हरेक बच्चों को चांस देता है सेवा करने का, तो सेवा से ही भाग्य बनेगा, अपने आप भाग्य अपने आप नहीं बनता, तो उसके लिए अपना तन से मैं किस प्रकार कर सकती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ सोचो, स्वयं का नहीं लगा, अगर लगा सकते हो, मैंने ये देखा एक जगह पर अच्छे पैंट पायदान, अच्छे बड़े बड़े ऑफिसर जैसे बच्चे एक सेंटर में बर्तन साफ कर रहे हैं, तो मैंने पूछा आप क्यों कर रहे हो, नहीं भाई जी बाबा की सेवा, आधा घंटा मुंगली होते ही सेंटर के आधा घंटा रोज, आज हम दो भाई करते हैं, कल दूसरा दो भाई करते हैं, सारे सेंटर के भाई को बर्तन साफ कर देगा, हमें एक मजदूर लगा सकते हो, नहीं हमारा भाग्य बनना चाहिए, ये किसी व्यक्ति की सेवा नहीं, मजदूरी नहीं है, धन के लिए नहीं, अपना भाग्य के लिए कर। आप पूछेंगे मुझे हमने कभी पानी का ग्लास भी नहीं उठाया, मधुबन आने के बाद लकड़ी उठा के लाया है, आग जलाने के लकड़ी लाना पड़ता था, पहले लकड़ी से जलती थी, इतना धुआं चल जाता था, थुरके से वो काला देख रहे सब गिर चल रहा, कोई देख के कर रहे आप ये कर रहे, हाँ ये मजदूरी नहीं कर रहा हूं भाग्य बना रहा हूं, तो भगवान के घर में हर कर्म करते हो मजदूरी के पैसे के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, शान के लिए नहीं, भाग्य बना रहा हूं, भगवान के घर में सेवा बहुत प्रकार की सेवा है, लेकिन आता है हम बड़े हैं हमें कभी किया ही नहीं, तन कैसे लगाए, मन लोग क्या करेंगे, हर बात आती है, तो भी उसको कहा बेअभिमान छोड़ करके हर प्रकार के कर्म। निर्मल शांता दादी बाबा की लड़की, ब्रह्मा बाबा की, तो चप्पल टूट गया, तो बच्ची आपको विश्व का महाराजा बनना चाहते, चप्पल सिलाना नहीं आता है, आप अपने हाथ से सिलाओ, उनके अंदर 16 कला चाहिए, हर कर्म अपने हाथ से करना सिखाया, बाबा ने गाड़ी चलाना सिखाया, बर्तन साफ करना सिखाया अपने हाथ से, तब बाबा ने स्लोगन बना के रखा, अपना तन अपना मन अपना धन और अपने लिए ही भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा, अपने लिए तन भी अपना, मन भी, धन भी, समय श्वास, स्वर्ग अपने अपने ऊपर से बन के नहीं आएगा, अपने तन मन से अपने लिए कर रहे, और किसी के लिए नहीं, क्योंकि हमको स्वर्ग चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए कलयुग में नहीं, तो अपने लिए कर रहे हो, तो तन से जिस प्रकार कर सकते हो, अनाज साफ करके देखो मधुबन जाते हैं सब लोग, अनाज साफ करके कोई आधा घंटा कोई एक घंटा, सेंटर में भी बाबा को भूख लगता है, आपके पास 15 मिनट आधा घंटा है, अनाज साफ के दे दो, सब्जी काट के दे दो, कहीं आके कुर्सी ठीक करो, तन से क्या कर सकते हो। हमने एक जगह देखा कि पानी डालना है गार्डन में, माता जी एक जाने के बाद पानी डाल रही है, तो जो क्या कर सकते हैं पूछना, वैद्य बता ध्यान ये करो, तो मेरे तन से सेवा लगना करना चाहिए, और किसकी, भगवान की सेवा। एक गुजरात में एक माता है, बुजुर्ग है, 80 साल की, अकेली रहती है, तो
कहते मैं रोज मार्केट से दो पाव सब्जी लाती हूँ। मतलब कि आप अकेले हो, जैसे मेरा एक बेटा भी है, उसको भी भूख लगती है, एक पाव सेंटर में देती है, एक पाव अपने पास ले जाती है। भगवान को अपना बेटा बनाया, उसको भी भूख लगती है, उसको भी भोग लगाना है। भगवान को भोग लगा के अपने ले दिए। भावना की समझ है, पहले भावना थी। ऐसे हमने देखा कलकत्ता में एक भाई का, यूपी का ही, रोज एक ग्लास गिन्नी की कुछ कहते बर्तन दूध शिव पर चढ़ाना है पहले, फिर सारा गांव में दूध बेचता है। एक दिन प्रदर्शनी में ज्ञान सुना, अरे हमारे तो इतना दिन तो पत्थर पर मूर्ति पर दूध जाता था, उसने वही एक लीटर दूध सेंटर में देखा पहले, फिर सारे मार्केट में सबका दूध छाछ का बिजनेस है, आज तक है, आज तक नहीं है। इतने साल से सुना, समझने की भावना थी, अभी भावना के साथ समझ चाहिए। तो वो आज भी बाबा के घर में कलकत्ता में है। तो रोज के पहले भावना थी, से ध्यान देगा एक लीटर दूध जाके मंदिर में चढ़ाना है, फिर बिजनेस। आज भी बहुत लोग हैं, तो समझ से कर रहे हो, हम किसके लिए कर रहे हैं, शिव बाबा की, यकीन ये भावना जरूर चाहिए, समझ चाहिए। समझ से करने वालों को ज्ञानी कहते हैं, बिना समझ के करते भावना है, अंधश्रद्धा। तो यहां ज्ञान युक्त भावना है, समझ से कर रहे, तब ऐसा कह रहे थे, और भावना से करे, समझ से करो, तनाव से नहीं, जबरदस्ती नहीं, स्व इच्छा से। और वो बाबा है आपको प्रेरणा देता, बच्चे अपने तन मन धन सफल करो, ऐसे रखे क्या करेंगे, ठीक है। फिर भी और किसी के मन में प्रश्न है तो बताओ, माता जी ने एक पूछा, समझ में आया ना तुझे को, तन कितना लगाना चाहिए, और कौन बताओ, और किसी के मन में प्रश्न है तो बताओ। वो भी है दोनों। अगर आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इधर पहले आपने पूछा ना, हाँ इन्होंने एक प्रश्न पूछा, भाई जी मेरे सामने दो है, मेरे पास पैसा है, एक बाबा को भी देना चाहिए, और मैंने ये देखा मेरे सामने एक व्यक्ति आया, गरीब है, बीमार है, उसको हॉस्पिटल में डालने के जाने के लिए पैसे चाहिए, अब मैं बाबा को दे दूँ कि अब उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में डालने के लिए दे दूँ, खर्चा करो, उनके साथ प्रश्न। अब उसके लिए मैंने कहा मैं एक प्रश्न बताता हूं कि बहन जी के घर के बाजू में एक मंदिर बन रहा है, वहां 10,000 लोग आएंगे दर्शन करने, और आपके इस बाजू में एक सेंटर भी बन रहा है, तो आप देखते वहां 10-12 माताएं भाई रहते हैं, 10-12 लोग, तो आपको लगा इधर 1,000 रुपया दिया तो बस, यहां 1,00,000 रुपया देना चाहिए, 10,000 लोग रोज दर्शन करने आएंगे, है ना, आपका 1,00,000 रुपया 10,000 लोगों को तुमको मिलेगा, और यार थोड़े से 1,000 रुपया दिया तो बस, तो क्या करना चाहिए बताओ, कौन बताएगा, भाई जी बताएगा, इतना बेसिक प्रश्न तो हाँ क्या, जो बेसिक प्रश्न था बहन जी का, तो धूल गैंग का था, गरीब आदमी को तो इसको ऑप्टिमाइज करना है, तब तो मैंने कहा यहाँ मंदिर बन रहा है ना, और यहाँ सेंटर बन रहा है बाबा का, तो उसको मन चलाया कि यहाँ थोड़े से दिया था बस, यहाँ 10,000 लोग आएंगे, यहाँ ज्यादा जाना चलेगा, उन्होंने तो निर्णय लिया सही, उधर तो 10,000 लोग आएंगे, 10,000 लोगों को उसको मिलेगा, माता जी बताओ,
है तो अलग आई बताऊ क्या करना चाहिए। सेंटर में नहीं, अगर एक बैंक वाला 10% इंटरेस्ट देता है, एक बैंक वाला 1% इंटरेस्ट देता, पैसे कहाँ रखेंगे आप? जहां 10% इंटरेस्ट 1% में नहीं रखेंगे ना, तो यहाँ 10,000 लोगों को सुकून मिलेगा, यहाँ तो थोड़े से लोग हैं, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेंगे, वहां कम मिलेंगे। हाँ, इसलिए पूछा। तो इधर देख लो, जो मंदिर में आपने 1,00,000 रुपए दिया, तो वहां आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पूजा करेंगे, फिर बाहर जाके क्या करेंगे? परिवर्तन कुछ करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। आपने जो धन लगाया उसका फायदा क्या? यहाँ 10 की मात्रा एक भाई बने आते हैं, रोज बोली तो बहुत माता जी गुस्सा करती थी, अब 1 महीने के अंदर देखा गुस्सा छोड़ा, बुराई छोड़ी, कुछ परिवर्तन किया, वहां कुछ परिवर्तन है। तो यहाँ जो बीज बोया उससे कुछ उगा, उससे आप इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ जो बीज बोया उससे क्या होगा? अभी आपने पूछा बाबा के पास देते हो, बाबा ने 1 का वजन गुना कहा, 21 जन्मों के आपको फल देगा। उस गरीब को आपने दिया तो वो कुछ देगा? वो गरीब है, हाँ बीमार है, जरूरी है, तो उनका करो जरूर, लेकिन उसके हाथ में पैसे नहीं देना। उसको बोला तुम हॉस्पिटल में जाओ, ट्रीटमेंट करो, मैं डॉक्टर को पैसा दूंगा, आप उसके हाथ में देना। ये पहले करना है, बीमार है, और उसके बाद उसको पैसे इतना देके छोड़ना नहीं, उसको फिर आपने ज्ञान भी सुनाना है, दोबारा ऐसे कर्म करके बीमार नहीं बनना है, नहीं तो शराब पिएगा बीमार हो गया, आपने ठीक कर दिया फिर से शराब पिएगा। आपने ठीक तो किया, शरीर को किया, आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, दोनों करना चाहिए। उसको बोलो आप हॉस्पिटल में डालो, बीमारी को ठीक करो, फिर उसको ज्ञान भी सुनाओ, दोनों आत्मा और शरीर दोनों के काम सेवा करना चाहिए। तो शरीर की किया, आत्मा के लिए कुछ नहीं, और यहां सीधा भगवान की सेवा कर रहे हो, वो 1 का कदम बना देता है। इसका मतलब वो नहीं करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, उसमें दोनों करना चाहिए। तो आज आप क्या कहते, रस्ते पर गरीब है, आपने 10 रुपए दे दिया, दान किया, उसने शराब पिया, तंबाकू खाया, तब का दान करते समय पात्र को देख के दान करना चाहिए। समझ में आया? दान करना होता है, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ, किसी के पास फटे हुए कपड़े हैं, कपड़े लेके दे दो, पैसे नहीं दे, खाने के लिए कुछ नहीं, खाना देती हूं मैं, पैसे नहीं देगा, दान नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, करने का तरीका चाहिए। और बताइए, और कौन सुना रहे, और किसी के मन में प्रश्न है तो बताओ। तन कहाँ लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, मन कितना लगाना चाहिए, कहाँ लगा रहे हो, धन कहाँ लगा रहे हो, किधर जा रहे हो? तभी आज देखो कलयुग में भी किसी के पास बहुत सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार, किसी के पास कितना धन है, खाने वाले घर में कोई नहीं, किसी के पास देखो खाने वाले कितने हैं घर में लेकिन धन ही नहीं है, ये किसने बनाया? अपने कर्मों से। भगवान आगे किसी को करोड़पति, किसी को गरीब नहीं बनाता, किसी को काला, किसी को गोरा नहीं बनाता, अपने कर्मों का फल है। इसलिए कर्म करने के लिए तीनों चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तीनों चाहिए, तीनों प्रकार से कर्म चाहिए। इसलिए अच्छी तरह सोचना,